है और अभी डॉक्यूमेंट लेने भी जाना है। अभी फिर क्या आता है यार, उसने बोला 11 बजे आना क्योंकि सब सुनते यहाँ आए नहीं, उसको क्या लेना था ना, उसको तो सैलरी आ रही है यार, बस उसको ये नहीं पता किसी का दिन टूट रहा है। तो फाइनली गाइस वो चोर बंदा आ चुका है जिसका मैंने जिक्र किया था, जो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज फाइनली 10 बज चुके हैं भाई और हम आ चुके हैं नरवाल में। अपनी जान तो छूट गई भाई बेरोज से, क्योंकि भाई सुबह बहुत ज़्यादा तंग हुए और सुबह हम 4 बजे उठे थे तो अपना बादशाह पार कर लिया था। तो वहीं दो जगह का माल था वो हमने अनलोड कर लिया। अभी उन्होंने किराया वगैरह कुछ नहीं दिया, उन्होंने बोला कि भाई आप जाओ और 3 बजे आना। तो भाई इससे पहले मैंने सोचा यार आ जाए नरवाल में, तो अपने बादशाह की यहाँ चल रही है वॉशिंग, तो अपना ये पक्का सर्विस स्टेशन है भाई, इनसे ही हम मतलब डेली वॉश करवाते हैं। और ये सर्विस स्टेशन है भाई, पोस्ट रही अपनी सब्जी मंडी उसके सामने, फ्रूट मंडी के सामने। और यहाँ है अपने अंसार भाई, कश्मीर से हैं अंसार भाई, आज ही मिले। अंसार भाई आगरा से आए और भाई लेके आए आलू। तो भाई ठीक है यार, आगरा वाला रूट सबसे बेस्ट है क्योंकि यार दिल्ली जाना भी बेकार है सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ, बहुत ज़्यादा यार एक्स्ट्रा खर्चा, हमें कम से कम 20,000 आ गया। तो गाइस देख रहे हो अपने बादशाह की चल रही है वॉशिंग और जुबैर भाई अभी चले गए ट्रांसपोर्ट में, कह राजा भाई आ जाए ट्रांसपोर्ट वाले भाई को पूछना कुछ माल है या नहीं। तो वहाँ देख रहे हो भाई को मशहूर कर दो यार, भाई बोल रहा है मुझे मशहूर पॉपुलर हो गया तू आज तो ये भाई अपने कंटिन्यू मतलब जब भी आते हैं अपनी गाड़ी नीचे वॉश करवाते, एक नंबर वॉशिंग करते हैं। कहाँ से आप? हम कासम नगर जम्मू से। हाँ कासम नगर जम्मू का डॉन है ये, क्या नाम है? रोहित नाम है, रोहित डॉन, इसको याद रखना भाई। ये बंदा जहाँ मिले तुरंत कौन सी आईडी है? विनायक किंग। तो कह चलो यार अपनी गाड़ी की वॉशिंग हो जाए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन अपना क्या लोडिंग मिलती है यानी। तो गाइस जुबैर भाई आगे और क्या बोल रहा है वो? अर्जेंट का माल है। क्या लोड? जूस। हाँ जूस। तो गाइस जूस मिल रहा है अपने आपको, क्या रेट लगा रहा? अभी रेट का तो कुछ नहीं बोला उसने, बोलो गाड़ी दो के लगा हुए थे मैं बताऊँगा। तो गाइस चलो वॉशिंग हो जाए उससे पहले फिर जाएंगे ट्रांसपोर्ट में और देखेंगे। बोल रहे भाई श्रीनगर का माल है जूस, तो वो देखेंगे लोड कर लेंगे, लोड करके फिर मैं जाऊँगा गाड़ी का किराया वगैरह लेने के लिए। और भाई यहाँ देख रहे हो एक नंबर अपनी वॉशिंग चल रही है अपनी, तो चलो वॉशिंग हो गई। तो गाइज अपना ऑलमोस्ट बादशाह की वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है भाई, और एक चीज़ रह गई थी जो मतलब हमेशा कैमरे में मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा इससे एलर्जी होती थी गाइज, और ये वाली चीज़ देख रहे हो मतलब जो सीट थी ना अपनी वो गंदी थी पूरी भाई, और एक नंबर अब भाई ने करके दे दी भाई, थैंक यू ये वाली चीज़ कर लेना भाई। हाँ यहाँ पर तो भाई देख रहे हो भाई ने मतलब मैंने सोचा यार एक रह गई है सीट तो इसको भी चलो वॉश करवा लेते हैं चमक जाए, क्योंकि भाई मेरा और जुबैर भाई का प्लान था कि इसको चेंज करने का, फिर हमने सोच लिया यार चलो सीज़न वगैरह दे लेते हैं, सीज़न के बाद देखेंगे चेंज करेंगे और पहले वाली सीट लगा लेंगे, सीज़न के बाद ठंड होगी ठंड में तो चलेगी, थोड़ी कंफर्ट नहीं है मुझे तो कंफर्ट है लेकिन जुबैर भाई के पाँव ही नीचे पहुँचते। चलो पहले चलते हैं वेरोस में, वहाँ से किराया वगैरह पकड़ लेते हैं, उसके बाद गाड़ी के डॉक्यूमेंट आपको जैसे पिछले व्लॉग में उन्होंने बताया कि अपने डॉक्यूमेंट भी वहाँ पुलिस वालों ने ले लिए थे वो भी लेना ज़रूरी है, तो फिर उसके बाद निकलेंगे श्रीनगर के लिए। ठीक है गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 9 और अभी उठा, सॉरी आज हमारे व्लॉग का दूसरा दिन है क्योंकि भाई कल व्लॉग इसलिए नहीं किया, मैं गाड़ी यहाँ पार करके नरवाल में मैं चला गया था डॉक्यूमेंट लेने, और भाई वहाँ ऐसा सीन हो गया ना यार वो डॉक्यूमेंट दे नहीं रहा, वो सब इंस्पेक्टर ना कभी क्या ड्रामा कर रहा है कभी क्या, तो अपने एक भाई है उस सब इंस्पेक्टर उनको मैंने फ़ोन करके बोला, तो उनका बैचमेट था उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट, उसने फिर बोला मुझे खुद ही बोला कि भाई अभी मैं घर पर आ गया हूँ तो आप कल आ जाना, तो भाई ऐसे मूड ख़राब हो गया फिर ब्लॉग करने का मन ही नहीं किया। अब गाइज अपना भाई भी जा रहा है यार, अपना भाई है जफरान भाई, वो आज जा रहा है जहाँ फरहान गया था वहीं जा रहा है यार, आज वो जा रहा है सिंगापुर में। तो अभी मुझे बोल रहा था जफरान भाई छोटा भाई है अपना, उसने बोला कि राजा भाई कहाँ पे मुझे आपसे मिलना है तो फिर मैं चाहूँगा यार, तो भाई बोल रहा है कि राजा भाई मेरा भाई जैसा है मेरा भाई है छोटा, तो वो बोल रहा है कि मुझे जाना है, तो फिर उसको मैंने इधर ही बुलाया कि आपके पास गाड़ी है आप इधर ही आ जाओ वो मिलने आएगा। और उसके बाद गाइस एक और बंदा जो एक बार फरार हो गया था उस बंदे से भी मिलाते हैं, वो भी आ रहा है, वो जो फरार हुआ था मेरे से वो भी आ रहा है। तो चलो गाइस पहले उठते हैं मुँह धोर लेते हैं एकदम फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं, तो फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन डॉक्यूमेंट लेने। तो फाइनली गाइस वो चोर बंदा आ चुका है जिसका मैंने जिक्र किया था जो फरार हो गया था गाड़ी से पैसे लेके, ये वाला
तो अभी अभी भाई आया था, आर्मी की भर्ती थी, भाई गया था आर्मी की, क्योंकि इंडियन आर्मी लवर है भाई, इसको ना बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन लक ऐसी है इसकी कि एक ही राउंड दिया बेचारे ने। अब दोबारा जाएगा कभी? ये देख लो अब चाबी दिखा रहा है कि अपनी किस्मत में तो है ही नहीं इंडियन आर्मी, तो अब ये भाई जाएगा सीधा गाड़ी चलाएगा यार, क्या करें, क्योंकि भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और यहाँ रहे अपने यासर भाई, यासर भाई आपकी गाड़ी कहाँ पर है? यही है जिस पे बैठे हो आप। अच्छा, यासर भाई की गाड़ी ये, पता नहीं गाड़ी में ही सोए थे वो, गाड़ी में ही सोए थे आप? क्या भाई देख लो, छोटी सी गाड़ी में दो बंदे एडजस्ट हो गए। स्प्रिंग तो नहीं लगे आपको छोटे बड़े फूल में? तो कहीं चलो यार थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, फिर चलते हैं भाई से करते हैं बातें, इनको चाय वाय पिला लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा वेरूस, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस आ चुके हैं अपने मेन रोड पे, जफरान भाई से मिलने में यहीं आ गया, क्योंकि भाई इधर से वहाँ जाते कब यार सर, आप मेरे फैन हैं ना, तो कभी मेरे से मेरा छोटा भाई तो मिलना है, रब सलामत रखे और जल्दी से जल्दी जाए और हमें भी बुला गए। तो आज इसका लास्ट दिन आप मिलेंगे कितने साल बाद? क्या पता, दो तीन साल, दो साल, एक साल, अल्लाह लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी दे। और यहाँ अपने भाई आए थे मिलने, क्या नाम है भाई? कबीर भाई, भाई भी इधर गाड़ी का काम करवा रहे, बोलेरो है। तो गाइस चलो यार करते हैं थोड़ी बहुत ही बातें अपने भाई को, करते हैं अलविदा हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद देखेंगे भाई नेक्स्ट हम कब जा रहे हैं कब नहीं। उसके बाद इसका नंबर आ गया, जाओ यार घर सब लाख, ठीक है, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, ठीक है, हमारा भी ख्याल रखें। आप धीरे में करते हैं ख्याल, और हमें हमेशा वॉच करते रहना कहाँ जा रहे हैं। अलविदा अपने जफरान भाई को भेज दिया उनको, वो चले गए, क्योंकि मुझे बोल रहे थे भाई आप ही अमृतसर तक चलो, और मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई काम बहुत ज़्यादा, और अभी डॉक्यूमेंट लेने भी जाना है। अभी फिर गया था यार, उसने बोला 11 बजे आना, क्योंकि सब सोचते यहाँ आई नहीं, उसको क्या लेना था ना, उसको तो सैलरी आ रही है यार, बस उसको ये नहीं पता किसी का दिन टूट रहा है या कुछ भी, मेरा दिन टूट रहा है यार। और यहाँ देख रहे हो भाई सफाई चल रही है एक नंबर, और ज़ुबैर भाई ने गाड़ी अपनी एफ से ही के लिए कन्फर्म कर दी बांडीपुरा, तो भाई हम आ रहे हैं बांडीपुरा, हमें जाना है बांडीपुरा इस बार, क्योंकि यार एफ सी ए पे अच्छा रेट है, और जगह अच्छा रेट नहीं है, एक दो दिन टूटेगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रेट तो अच्छा लगा ना। तो चलो पहले गाड़ी की सफाई वगैरह हो जाए, इसके बाद ज़ुबैर भाई जाएंगे लोड करने और मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट लेने, तो अपने भाई हैं साथ। तो भाई चलो यार ज़ुबैर भाई जाएंगे लोडिंग करने, ज़ुबैर भाई आप जाओ फिर लोडिंग करने, आराम से जाना अकेले, तो भाई जाएगा लोडिंग करने और मुझे ना फिर से दोबारा। अपने बादशाह की लोडिंग हो चुकी है और ज़ुबैर भाई बादशाह को लेके आगे सिद्रा में, तो मैं भी अभी आ गया था, मैं घर पे गया था, वहाँ से गाड़ी लाई छोटी, क्योंकि भाई अपने गाड़ी में ना गैस सिलेंडर खत्म हो चुका था, तो भाई को खाना बनाना था, ज़ुबैर भाई ने वहीं गाड़ी पार्क रखी है अपने सिद्रा में ही, और भाई यहाँ देख रहे हो अपना गैस सिलेंडर भर लिया, और अपने भाई हैं कश्मीर से ही हैं बांडीपुरा से। तो गाइस चलो पहले गैस भाई को दे देते हैं, उसके बाद निकलने का प्रोग्राम है आज, क्योंकि आज ही कन्वाई है। तो अभी अभी एक भाई फोन कर रहे थे कि राजा भाई आज कन्वाई हमारी रोक दी यहाँ से और वहाँ से छोड़ रहे हैं, फिर चाचू से भी बात हुई, चाचू ने बोला कि हमें बनिहाल पार्किंग में रोका हुआ है, तो आपकी कन्वाई वहाँ से छोड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोशिश यही रहेगी गाइस कि हम आज ही यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि भाई टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है इस बार, मतलब दिल्ली का चक्कर था और देखो मुझे कितना टाइम लग गया, और चाचू यहाँ से गए थे औरंगाबाद, वहाँ से होके वापस भी आ गए। रश है भाई, इस रश की वजह से भी ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा जाम है, बस अपने नरवाल तक पहुँचने वाला है, मेन छन्नी रोड तक ना पहुँचने वाला है ये जाम। अब इस बार भाई बोल रहा है कि ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं 11 बजे छोड़ेंगे, तो उससे पहले गाइस मैं चलता हूँ अंदर घर पे, रेडी वगैरह हो जाएंगे, मेडिसिन अपनी उठा लेंगे साथ में, तो आ जाऊँगा अपने बादशाह में, फिर निकलूँगा यहाँ से। गाइस काफ़ी गाड़ियाँ मैंने देखा रॉन्ग साइड से, मतलब जो काफ़ी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड आके लग रही हैं भाई, रॉन्ग साइड कुछ भी हो सकता है भाई, वरना सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस हैं यहाँ से इतना रोड में, क्योंकि खुली रोड है, छोटी गाड़ी वाला जो भी आएगा स्पीड वाला। तो गाइस ये वाली चीज़ चेक कर रहे हो भाई, ये वाली चीज़ चेक करो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना रॉन्ग साइड का नतीजा, ये देख रहे हो वाली चीज़ देख ली अपने रॉन्ग साइड का, ईंटें भरी हुई हैं गाड़ी में और भाई साहब आ रहे हैं रॉन्ग साइड से, ओए खुदाया रहम यार, देखा भाई लगी तो नहीं होगी इसको पता नहीं, और ये वाली गाड़ी पता नहीं वहाँ से आई या सीधे से आई, ये तो रॉन्ग साइड दिख रही है मुझे, अब क्या पता रब ही जाने रॉन्ग साइड लगी राइट साइड लगी, लेकिन लगी जरूर। अब यहाँ से ये पलटी करेंगे उस पर फिर वहाँ से छोड़ेंगे भाई, ये देख लो छोटी सी गलती यार, दो मिनट पाँच मिनट एक घंटा आधा घंटा, हम भी हैं लोग जो सब्र रख रहे हैं, मतलब हमें चार चार दिन रुकना पड़ता है भाई, फिर भी हम सब्र रख लें, मतलब कोई बंदा ऐसा था जिसको एक मिनट का सब्र नहीं है। हाँ अपना बादशाह दिख रहा है वहाँ पर, चलो भाई को गैस सिलेंडर वगैरह दे लेते हैं, तो उसके बाद निकलेंगे यहाँ से।
गाड़ी घर छोड़नी है, फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह। भाई एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, देख रहे हो गाड़ी मोड़ में लगी हुई है, गाड़ी स्पीड से भी आ रही है, बंदे का क्रॉस होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आ जाओ ले जाओ, फिर मैं आऊँगा गाड़ी घर छोड़ के। हाँ मैं आऊँगा गाड़ी घर छोड़ के, ठीक है। पहुँच चुके हैं छन्नी रोड पे, तो अब यहाँ से चलते हैं खुरम भाई के पास अपना, क्योंकि मॉडिफिकेशन आपको पता भी अपना छोटा भाई है उस, क्योंकि भाई ने हमें स्पेशल बोला था कि बड़ा भाई होगा इधर, तो हम शॉप की ओपनिंग कर रहे हैं, क्योंकि गाइज अपनी छोटी सी शॉप थी मॉडिफिकेशन की, वो हमने शिफ्ट कर ली नीचे बड़ी शॉप पे। तो अभी भाई बोल रहा था कि बड़ा भाई आएगा तो ओपनिंग होगी, मैं नहीं आ सका क्योंकि भाई मैं गाड़ी के साथ बिजी था, आपको पता भी है भाई सीज़न ही सब कुछ होता है यार। तो उससे पहले ना मैं चलता हूँ, उसको पहले मना लेता हूँ क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा नाराज़ है। गाइस पहुँच चुके हैं अपने क्विक वे मॉडिफिकेशन भाई, और ये रहा अपने क्विक वे मॉडिफिकेशन, और जो अपने भाई हैं अपने, और यहाँ लगे हुए अपने जो जो अपने यूट्यूबर भाई हैं सबका नाम लिखा हुआ है, स्मॉल टाउन राइडर, सेठी एक्सप्रेस, राजा रमीज, अफू कोहली ब्लॉग, सादिक मलिक और खुरम ब्लॉग, क्विक वे मॉडिफिकेशन। तो भाई वहाँ रहा खुरम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, ये वाला देख रहे हो, खुरम भाई से रब्ता कर सकते हैं जिसने मॉडिफिकेशन और अपनी गाड़ी यहाँ कर ली पार्क गाइस। और यहाँ भाई देख रहे हो यहाँ रहा बोर्ड अपना, अब अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको भाई की पूरी शॉप। देख रहे हो भाई अब भाई ने टेपिंग का काम भी रखा है सारा, देख रहे हैं ये वाली यूनिक चीज़ें भाई। मैं अपनी शॉप में ना सबसे जो भी चीज़ मिलेगी ना सब यूनिक, मतलब ये वाली चीज़ें आपको नरवाल में भी मिलेंगी लेकिन ओरिजिनल वाली चीज़ अपनी शॉप है, जो भी चीज़ आएगी ना ओरिजिनल वाली। और यहाँ देख रहे हो बलेनो, स्कॉर्पियो, मतलब थार वार सबका हर चीज़ मिलेगी, हर एक की ग्रिल मिलेगी। अभी खुरम भाई गए हैं बाहर, वो आ जाए उनसे मिलेंगे गाइस, तो फिर इधर से निकलेंगे क्योंकि जुबैर भाई अभी वेट कर रहे हैं, वहाँ जाना और निकलना इधर से। तो गाइस फाइनली आ चुका है अपना भाई, मुझसे नाराज, बड़े भाई से नाराज। ठीक हो, खैरियत से? ठीक भाई, देख रहे हो मेहनत, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो भी हम करवा रहे हैं। और कैसा चल रहा है काम? मुबारकें नई शॉप की, मुबारकें। सॉरी सॉरी यार, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ ना, आपको समझ रहा हूँ ना, मैं ट्रक लाइफ को समझ रहा हूँ, तभी मैं कुछ नहीं कह रहा, अदरवाइज बड़ा कुछ कहता कि हाँ। तो यहाँ रही मेरी चेयर, मैं बैठ सकता हूँ? खाली रहती है। हाँ चलो काम करो यार। भाई देख रहे हो जो जो चीज़ें नहीं थी अपने भाई के पास वो भी ला के रख दी, यहाँ रहा स्टेयरिंग कवर और ये कुछ सब परफ्यूम वगैरह, मतलब जो चीज़ अपने पास नहीं है ना वो अवेलेबल हो जाएगी भाई आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी आओ क्योंकि मॉडिफिकेशन भाई, ये कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, खुद की शॉप है भाई, तभी बोल रहा हूँ यार। तो गाइस चलो अब आ रहे हैं अपने सादिक भाई, सादिक भाई आ जाए उनसे मुलाकात होगी फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर से वापस आ चुके हैं और विद रानी जूस और अपने सादिक भाई। तीन घंटे हो गए बैठे, तो भाई ये वाला वो बंदा है जिससे मैं मिलाना चाहता अपने बड़े भाई सादिक भाई। 10 बजे बैठो, 10 बजे ठीक है भाई। ये अपने पहले बड़े भाई हैं जिनकी से यहाँ मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए का मैसेज रमेश भाई के यहाँ सच बताऊँ, जो लोग बनाते हैं ना एक मेहनत वाला काम है जो भाई करते हैं और जो आपके सामने दिखाते हैं, और एक फैमिली के लिए भाई इतना कुछ कर रहे हैं ना कि ऐसा कोई भी नहीं करता, मतलब कि अपने घर से दूर सब कुछ ये भी आराम से जी सकते हैं, सब कुछ करते, मतलब क्या नहीं यार कर सकते, अपने वहाँ रह सकते सब कुछ कर सकते हैं, दिक्कत है कि यार अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ रहे कितने लेवल तक होती है फैमिली के लिए रियल में कुछ करना, कोई बनना बोलने वाली बात है वो, तो मैं भी देखता हूँ यार मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ, जो भाई कर रहे हैं ना बस गाइस ऐसे ही मुझे सपोर्ट मिल रही है, मतलब अपने भाइयों की हौसला दे रहे हैं भाई, तो मैं भी आगे के चल रहा हूँ, तो आप लोगों का प्यार भी है साथ। तो चलो अपने भाई के साथ बैठते हैं, और थोड़ा मैं ले आया ज़्यादा कुछ नहीं, रानी जूस ही स्पेशल ले आया, मुझे कॉलिंग नहीं ब्लॉग करनी भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस चलो भाई के साथ बैठते हैं, अच्छा मतलब अच्छा लगता है जब अपने सादिक भाई से मिले, मुझे ना काफ़ी टाइम से बहुत एक्साइटेड था अपने भाई से मिलने का, हमारी फ़ोन पर बात होती थी, हमने कभी मिले नहीं, तो फाइनली आज मिल चुके अपने भाई से। तो चलो कैसे करते बातें, हाँ आपकी शॉप एक नंबर भाई, एक नंबर काफी भाई। मैं डीएम करते हैं राजा भाई वहाँ कंसेशन, मैंने बोला आओ यार कंसेशन मिलेगी। और भाई मुझे काफी भाई कमेंट कर रहे हैं ना कि राजा भाई वहाँ थोड़ा कास्टली चीज, वो चीज़ नहीं है भाई, आप कंपेयर कर सकते हो नरवाल वाली चीज़ में और इस शॉप वाली चीज़ में। तो चलो अपने सादिक भाई से करते बात, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस आ चुके हैं अपने खुरम भाई की शॉप से अपने सादिक भाई के साथ अपना लंच करना है, क्योंकि भाई मेरा ना मतलब कल से यही ड्रीम था कि अपने भाई के साथ बैठे उठे कुछ बातें करें, हमने बहुत सारी बातें की, मतलब अपने जो दुख दर्द थे वो अपने बड़े भाई से शेयर कर दिए बहुत सारे।
तो अच्छा लगा मुझे अपने भाई से मिलकर। अब जब आप दुख बांटते हो ना तो उनके साथ ना बड़ी क्लोजर फीलिंग हो जाती है, सच रियल बात। हाँ, तो इंशाल्लाह ये एहसास कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और ना होगा, अब बड़े भाई हो हमेशा। और यहाँ रहे अपने साथ फैसल भाई, इनको ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आपका सेहत बड़ी हो जाती है, आप कुछ कहना चाहते हो मेरी YouTube फैमिली के लिए? सेहत बड़ी आपकी चैनल के भाई, सबसे ज़्यादा जाके प्यार दिखाओ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जितने थोड़े से जाके सारे राजा भाई को सेहत बड़ी भूख बड़ी लगती है। तो वैसे चलो यार पहले कर लेते लंच करके फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे मुझे यहाँ से निकलना है। तो गाइस हो चुका है अपना भाई लंच कर लिया, अब यहाँ से निकलने की तैयारी होगी क्योंकि अपना बादशाह भी चला गया और भाई उधमपुर भी वेट करेंगे, देखते हैं अब अपनी कनवाई हो पाती है या नहीं। और यहाँ फैसल भाई यार चलो आ जाओ चलें। तो भाई अपना फर्स्ट टाइम है, न्यू थार फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ, ओल्ड वाली तो मैंने ड्राइव की, अब सादिक भाई की थार चेक कर रहे हैं भाई। ये आपकी वजह हमारी बात बोल मेरी। हाँ सॉरी मत करो। तो गाइस अपने सादिक भाई, क्या चैनल का नाम है? सादिक मलिक, ये लिखा है। हाँ तो ये रहा अपने भाई का चैनल का नाम, ये देख रहे हो, भाई को टैग भी डाल दूंगा। और जल्दी से जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, भाई को फुल सपोर्ट यार। लाइफस्टाइल व्लॉग देखना भाई क्या करते हैं कैसे रहते हैं जो भी है। सिंपल व्लॉग हमारे कुछ ऐसा, कोई वो छपरी वाला काम कोई नहीं हमारे पास। हां तो गाइस छपरी वाला काम नहीं है, छपरी बंदी काम नहीं, छपरी बंदी भाई वो नहीं है यार, कि मतलब मैं कुछ रैश ड्राइविंग करूंगा, क्यूट गर्ल डालूंगा, वो वाला सिस्टम नहीं, वो हमारा है ही नहीं यार, फेक नहीं, जो रियल लाइफ है। आज दिन तक हमारी मतलब मेरी भी कभी किसी के साथ ऐसी पोस्ट नहीं आई या कुछ भी नेगेटिव, रियल लाइफ है जो है, रियल लाइफ जो है वो दिखा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ फेस होगा, सीधी बात है। तो गाइस ठीक है यार, व्लॉग लंबा ही और आज के व्लॉग को यही अभी अपलोड होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा फिर नेक्स्ट व्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कंटिन्यू व्लॉग में, तब तक के लिए चाबी रखिए, बाय बाय, टेक केयर। ये रही अपनी चाबी, सॉरी यार। ठीक है भाई बोल दो कुछ लास्ट में, तो मैं अपनी तरफ व्लॉग एंड कर दूं, कर दो। सो फाइनली आपको व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इजिकल टू प्लस में डिग्री शेयर से टाइट नो करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं देख रहे हो कितना फास्ट, इतना मैं नहीं बोल सकता, बाय बाय गाइस।